बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयदास किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू के समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलू के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं, उसको छील के अच्छी तरीके से उबालने के लिए चढ़ा दिया है। आलू को पतीले में शामिल करके इसके अंदर 4 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब आप लोग सब देख सकते हैं आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसको प्याले में निकाल के अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर लाल करा हुआ प्याज शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई धनिया शामिल करेंगे, 2 चम्मच कुटी मिर्च शामिल करेंगे, हसबे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। इस सब को मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इमली को पहले ही पानी में भिगा के रख दी थी उसका पानी शामिल करेंगे। इमली का अब आप लोग सब देख सकते हैं समोसे का आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। पट्टी जो है वो मैंने किसी भी करीबी मार्ट से ले ली थी, बआसानी किसी भी करीबी मार्ट से आपको पट्टी मिल सकती है। अब मैंने जो आलू रेडी किया है उसको पट्टी के अंदर फिल कर लेते हैं समोसा बनाने के लिए। समोसा जो है वो मैं बना रही हूँ, उसकी लपेटने की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। पहले सबसे पहले मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड करके आलू भर लिया, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है लेकर उसका लई बना लिया। लई बना के ऊपर से नीचे से लगा लिया। अब आप लोग देख सकते हैं समोसा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ना किसी तरीके से फटा हुआ है, ना किसी तरफ से फटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं आलू के समोसे को मैंने अच्छी तरीके से फिल करके बना लिया है। अब इसको फ्राई करने का वक्त आ गया है तो ले फ्राई कर लेते हैं। तेल जो है वो हल्की आंच पे मैंने पहले ही से चढ़ा दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके समोसा शामिल करते हैं और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब आप लोग सब देख सकते हैं समोसा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लाल हो गया है, दोनों साइड से लाल हो गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने समोसे को फ्राई कर लिया है। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं आलू का समोसा बिल्कुल रेडी है, कितना क्रिस्पी लग रहा है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।